दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर चल रहा डिबेट वाला टास्क खत्म हो चुका है और इस टास्क का जो फैसला है वो दीपक चौरसिया ने घर वालों को सुना दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लव कटारिया के फैंस हैं तो कहीं ना कहीं ये टास्क आपके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि सीजन का पहला टास्क लव कटारिया ने जीत कर पहले टास्क का जीतने का खिताब अपने नाम कर लिया। दरअसल घर के अंदर दो टीमें बनाई गई थी जिसमें पहली टीम लव कटारिया, अरमान और नीरज की थी, जबकि दूसरी टीम के सदस्य रणबीर सौरे, केतन राव और सना सुल्तान थे। इस दौरान इन दोनों टीमों को घर वालों के सामने और दीपक चौरसिया जो कि टास्क के संचालक थे उनके सामने ये साबित करना था कि क्यों वो एक दूसरे से बेहतरीन है, क्यों ट्रॉफी जीतने के हकदार है और शो में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। इन सभी मुद्दों को लेकर जो है दोनों टीमों के बीच में बहसबाजी हुई थी, डिबेट हुई थी और आखिर में जो फैसला है वो दीपक चौरसिया ने कहीं ना कहीं सना सुल्तान और उनकी टीम की बजाय लव कटारिया की टीम के पक्ष में सुनाया और इस प्रकार लव कटारिया की जो टीम है वो सीजन का पहला टास्क जीत चुकी है। हालांकि इस टास्क के दौरान घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है दुश्मनियाँ देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, घर के सभी कंटेस्टेंट ने एक दूसरे को लेकर जमकर अपनी भड़ास निकाली है और कहीं ना कहीं घर वालों का जो असली चेहरा है वो सभी के सामने आ चुका है कि कौन किसके लिए कौन से दोस्ती रखता है और कौन किसके लिए कौन सी दुश्मनी रखता है। फिलहाल तो इस टास्क की आड़ में कहीं ना कहीं घर वालों ने एक दूसरे को लेकर अपनी भड़ास निकाल ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस टास्क के बाद में जो है घर का माहौल कितना बदलता है, कितना बिगड़ता है। आपका क्या है कहना इस पर, अपनी राय हमें कॉमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए।